जय शनिदेव, जय हरि, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, मैं वारे गुरुजी आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का जो हमारा विषय है, एक बच्चे को मिला गुप्त धन और उसका फायदा लिया पड़ोसी, इसके विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए जो आज का जो विषय है, समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, अंत तक देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। दोस्तों, पहले जमाने में ऐसी घटनाएं घटित होती थी, अभी इस जमाने में ये घटनाएं ज्यादा घटित नहीं होती, इसका भी प्रभाव कम हो गया, लेकिन पहले जमाने में ऐसी घटनाएं घटित होती थी। ये 50 साल पुरानी कहानी है और मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी और ये कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन हमारे चैनल का जो संदेश है वो साफ साफ है कि भाई, किसी भी अंधश्रद्धा के पीछे आपका पैसा बर्बाद मत करिए, किसी भी अंधश्रद्धा में आप मत फंसिए, उसके पीछे मत भागिए और कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। ये हमारे चैनल का आपको साफ साफ संदेश, ठीक है। लेकिन जो सच है, जो सच बात है, हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, अपने अपने मन की बात है। तो कहानी कैसी है? तो क्या है दोस्तों, कि जो गुरुजी ने मुझे बताया था, तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। एक मान लीजिए कि हम उसका जो लड़का था उसमें जिसको धन मिला था, उसका नाम राम था, ठीक है। एक राम और एक श्याम, ये दो लड़के थे, ये दोनों की दोस्ती थी। राम की उम्र थी 10 साल और जो श्याम था उसकी भी उम्र थी 10 साल। लेकिन जो राम था वो पायलू था, पायलू मतलब जो पैर से जो बच्चे पैदा होते हैं उसको पायलू बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पायलू जो बच्चे होते हैं उनमें एक रहस्यमय शक्ति होती है, जैसे कोई आम इंसान किसी बात को पहचान नहीं सकता, देख नहीं सकता, वैसे वो लोग जो होते, जो पायलू लोग होते, वो रहस्यमय लोग होते, वो पहचान जाते हैं कि आगे क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है। उनकी जो बॉडी होती, उनका जो मन होता, उनकी जो अंतरात्मा होती, उनको संकेत दे देती है कि पॉजिटिव शक्ति है आगे या निगेटिव शक्ति है। वो उनमें कुदरती शक्ति होती है, इसमें कोई चमत्कार या कोई जादू नहीं होता, उनमें कुदरती शक्ति होती है। जैसे अभी मान लीजिए कि जो दिन में जो प्राणी जंगल में रहते हैं या जंगल में मतलब चलते फिरते, तो उसको उनको रात में दिखाई देता नहीं, और जो रात में जो प्राणी घूमते हैं इस धरती माता पर, जिस पृथ्वी पर, तो उनमें वो जो रात को फिरने वाले प्राणी को दिन में दिखाई देता नहीं, मतलब उनको ये भगवान ने पावर दी, कुदरत ने उनको पावर दी। वैसे ये जो पायलू लोग होते हैं उनको ये कुदरती, जो आम लोग नहीं देख सकते वैसे ये लोग देख लेते। तो क्या हुआ कि जो राम था वो पायलू था, उसमें कुदरती पावर थी, और जो उसका दोस्त श्याम था उसका घर पड़ोस में ही था। अब जो श्याम के जो माता पिता थे वो बहुत चतुर थे और जो राम के माता पिता थे वो थोड़े भोले थे, ठीक है। एक दिन जो राम है, जिसके पास कुदरती पावर की शक्ति, वो राम है, ठीक है। राम एक दिन श्याम के घर खेलने के लिए गए, तो खेलते खेलते जो शाम का जो घर था, 2-4 कमरे का घर था, और खेलते खेलते राम किसी एक कमरे में चला गया। तो राम को वहां पे बहुत बड़ा नाग दिखा, बहुत बड़ा नाग दिखा। तो राम ने जोर से राम चिल्लाया, तो जो शाम के माता पिता थे वो दौड़ के चले आए, वो उसी घर में थे, वो बोले क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? तो उसने कहा कि एक कमरे में बहुत बड़ा सांप है। तो फिर वो उसको अंदर लेके गए, राम को बोला कि दिखाओ भाई यहाँ पे कहाँ पे सांप है। तो राम ने बोला ये यहाँ पे सांप है। वो जो सांप था वो शक्ति का सांप था, वो एक आत्मा का सांप, वो कोई ऐसा रियल का कोई प्राणी का सांप नहीं था। तो वो राम को तो सांप दिखाई दे रहा है, लेकिन जो श्याम है, जो श्याम के माता पिता है, उनको सांप दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो लोग बहुत चतुर थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये जो बच्चा कुछ रहस्यमय, इसके पास में कुछ पावर है, कुछ शक्ति है, और ये कुछ गुप्त धन के बारे में, कुछ खजाने के बारे में संकेत इसको दे रही है, वो पहचान गए। तो फिर उन्होंने राम को कुछ बोला नहीं, फिर उन्होंने राम को घर जाकर छोड़ दिया कि बोले कि बेटा तुम अभी घर जाओ, कल आना फिर से खेलने के लिए शाम के साथ में। तो राम घर पे चला गया। इन लोगों ने क्या किया कि 1-2 दिन बाद इन लोगों ने तांत्रिक को बुला लिया, तांत्रिक को बुला लिया, और फिर उन्होंने शाम को भेजा कि राम को बुलाने के लिए, और राम वहां पे फिर शाम के घर पर आया। और फिर उन लोगों ने बोला कि अरे राम, तूने तो कल यहाँ पे सांप देखा था, वो सांप कहाँ पर, अभी दिखाओ। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो जिस जगह पर राम ने वो सांप देखा था, उस जगह पर वो सांप नहीं था।
उस सांप ने वो जगह बदल ली थी, उसने वो जगह छोड़ दी थी। तो राम ने बोला कि परसों तो इस कोने में था, लेकिन आज इस कोने में नहीं है वो, इधर वाले कोने में उसने जगह बदल दी। तो फिर तांत्रिक को होशियार था, वो घर वाले भी होशियार थे, उन्होंने पहचान लिया कि भाई ये जगह छोड़ने वाली शक्ति है। तो उन्होंने क्या किया कि वो राम को वहीं पर बैठा दिया कि भाई तुम हमें बताते रहो कि वो शक्ति कहाँ पे जा रही है, वो सांप कहाँ कहाँ जा रहा है। फिर उन लोगों ने क्या किया, वो तांत्रिक ने, कि वो राम को वहां पर बैठा दिया। राम उनको बोलता गया कि आप ये जगह छोड़ रहे, ये आया जा रहा है, वो आवाज जा रहा है। तो तांत्रिक ने वो काम कर लिया, उसमें से जो कुछ एक मटका निकला या कोई मतलब कोई संदूक निकला, जो भी निकला ठीक है, उसमें से जो खजाना निकला क्या, उन लोगों ने वो खजाना राम के सामने खोला नहीं। वो जो मटका निकला जमीन के अंदर से, उन लोगों ने वो राम के सामने खोला नहीं, क्योंकि उन लोगों को लगा कि यार राम क्या करेगा, अभी घर पे जाएगा, इसके माता पिता को बोल देगा कि श्याम के घर पे ये ऐसी ऐसी चीज मिली, तो उनको भी आगे देनी पड़ेगी। तो उन लोगों ने क्या है कि वो राम के सामने खोला नहीं, और उन लोगों ने फिर राम को वहां से भगा दिया कि भाई बेटा तुम अभी घर जाओ, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन उन लोगों को पता था कि अब ये राम घर जाके माता पिता को कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही बोलेगा, कि वो छोटा बच्चा, राम तो 10 साल का है, वो तो कोई बड़ा होशियार नहीं ना। उन लोगों ने फिर जो भी जो मटका निकला था जमीन के अंदर से, उस मटके का जो बाल है वो दूसरे बर्तन में उन लोगों ने निकाल लिया, और उस मटके में उन लोगों ने कोयला डाल दिया, जो लकड़ी का कोयला होता ना, वो कोयला उस मटके में डाल दिया और मटका बंद कर दिया। फिर राम घर पे गया, उसने माता पिता को बोला कि मैं शाम के घर गया था, वहां पे बहुत बड़ा नाग था, कोई बाबा महाराज आए थे, तांत्रिक आए थे, और उसने गड्ढा खोदा बहुत बड़ा, उसमें से कुछ मटका निकला, ऐसा राम ने माता पिता को बोल दिया। जैसे राम ने माता पिता को बोल दिया, तो फिर उसके माता पिता दौड़कर भागकर वो श्याम के घर पर आ गए, बोले जो श्याम के माता पिता थे उसको राम के माता पिता बोले कि हमारे बेटे पर तुमने क्या कोई जादू किया है, क्या क्या काम किया है, हमारा बेटा ऐसा ऐसी बात बोल रहा है, तुम्हारे घर पर क्या घटित हुआ, क्या मिला है तुम्हें। तो उन लोगों ने, अभी तो उन लोगों को सच बताना ही पड़ेगा, अगर वो सच नहीं बताएंगे तो फिर ये बात पचेगी, हजम नहीं होगी ना। तो उन लोगों ने बताया कि वो बहुत चतुर थे, जो श्याम के माता पिता थे बहुत चतुर थे। देखिए उन्होंने पहले तो राम के माता पिता को चाय पानी पिलाया, प्यार से बोला तुम्हारा बच्चा तो बहुत होशियार है, कुदरती पावर है इसके बॉडी में, और बच्चा बहुत भाग्यशाली, ऐसा उन्होंने मिठाई मिठा बोल के उनको थोड़ा समझाया। और फिर उन्होंने बताया कि हमें ऐसी ऐसी चीज मिली है, लेकिन उसमें से कुछ निकला नहीं, उसमें से खाली कोयला निकला। क्या निकला? कोयला निकला। और उन्होंने वो मटका राम के माता पिता के सामने लाकर रख दिया कि भाई देखो इसमें तो कोयला निकला, इसमें कुछ निकला ही नहीं। फिर राम के माता पिता भोले थे, जैसे श्याम के माता पिता जितने चतुर थे उतने चतुर नहीं थे। तो वो राम को लेके फिर अपने अपने घरों चले गए। अभी जो श्याम के माता पिता थे, अभी इन्होंने क्या किया कि जो खजाना था उसने वो दूसरे बर्तन में रख दिया। और उन्होंने देखिए, अगर कोई बहुत ज्यादा चतुर होता है तो वो भी किसी काम कर। तो उन्होंने क्या किया कि वही जो माल निकला था वो फिर से उन्होंने कहीं दूसरी जगह पर गड्ढा खोद के उन्होंने वो गाड़ दिया। उनको लगा अभी जब जरूरत पड़ेगी तब इसमें थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे या सब निकाल लेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब। तो उन्होंने वो उसको गाड़ दिया। अभी गाड़ने की बात क्या हुआ कि जो माल पर जो कुछ शक्ति थी वो फिर से उस माल पर बैठ गई, और बढ़ गई तो फिर वो शक्ति का ज्यादा क्रोध बढ़ गया, और क्रोध बढ़ने के कारण 6 महीने बाद जो श्याम था उसकी मौत हो गई। उसके 6 महीने बाद उसकी माता की मौत हो गई, और उसके 6 महीने बाद उसके पिता की मौत हो गई, मतलब वो पूरा परिवार खत्म हो गया। मतलब धन तो मिला, क्या धन के लालच में उन लोगों ने वो राम को धोखा दिया, राम को धोखा दिया लालच में, लेकिन उन लोगों की भी उसमें मौत हो गई, उनको भी वो धन का सुख नहीं मिला। इसी वजह से हम आपको बार बार कहते कि भाई ये धन के जो काम होते हैं बहुत बुरे होते हैं, इसके पीछे आप मत भागिए, इसको हाथ हाथ मत लगाइए। देखिए दोस्तों, इसी वजह से हम आपको बार बार कहते कि भाई आपका परिवार ही आपका गुप्त धन है, आपके माता पिता, आपकी बीवी, आपके बच्चे, इनकी अच्छी तरह देखभाल करिए, यही आपका असली
गुप्त धन है, क्योंकि अगर आप इस धन के पीछे भागोगे तो हो सकता है कि आपके साथ छल हो, धोखा हो, आपको खतरा हो। तो ये जानकारी, ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, अगर आपको सही लगी है, आपको अच्छी लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय शनिदेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।